हेलो स्टूडेंट्स, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बाद में आज हम कोई थ्योरेटिकल टॉपिक स्टडी नहीं करेंगे। आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें मैक्सिमम आपको प्रॉब्लम आती है, तो वो कुछ मैं 10-15 क्वेश्चन यहाँ पर ले रहा हूँ जिनमें मैक्सिमम प्रॉब्लम आती है, तो वो क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपके डाउट्स भी नहीं रहेंगे और इजी वे में उस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। बाकी सारे आपके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो तो सीधे सीधे नोट से सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन ये जो कंसेप्चुअल हैं उनके हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हाउ मैनी मियोसिस रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ 100 सीड्स ऑफ वीट, है ना, कि वीट के प्लांट में या वीट के 100 दाने, है ना, 100 सीड्स के प्रोडक्शन में कितने मियोसिस की रिक्वायरमेंट होती है ना, यानी गेहूं के 100 दानों के निर्माण हेतु कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। तो देखें हम इसके आंसर की बात कर लेते हैं। तो एक सीड का प्रोडक्शन कब होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कब होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। यानी आपको यहां पर क्या बताना है? यहां पर आपको बताना है कि गैमेट्स के जो प्रोडक्शन है वो कैसे होंगे। तो देखें सबसे पहले मैं बात करूं यहां पर, तो जो आपका फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट जिसको आप कहते हैं एग, अगर आपको 100 सीड बनाने हैं तो आपको कितने एग्स की रिक्वायरमेंट होगी? 100 एग्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। अब 100 एग सेल आपको चाहिए, 100 एग्स आपको चाहिए, तो उस कंडीशन में आप ये ध्यान रखें कि एक एग के फॉर्मेशन में कितने मियोसिस लगता है। तो आपने को पता है कि मेगा स्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस में, इसका कंसेप्ट समझना कि फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, तो यहां पर होता है मेगा स्पोरोजेनेसिस, गुरु बीजाणु जनन होता है ना। मेगा स्पोरोजेनेसिस जो है, अगर मैं कहूं यहां पर एक सिंगल एक मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है तो एक एक्टिव मेगा स्पोर बनता है, एक एक्टिव मेगा स्पोर। इस एक एक्टिव मेगा स्पोर से एक एम्ब्रियो सेक का प्रोडक्शन होगा, ये रहा एक एम्ब्रियो सेक का प्रोडक्शन हो गया, हुआ ना। और इस एक एम्ब्रियो सेक में क्या 2-4 एग सेल्स होंगी क्या? नहीं, बल्कि माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर कितनी, केवल और केवल सिंगल एक आपको एक सेल देखने को मिलती है। तो ये रही आपकी एक एग सेल विच इज अ फीमेल गैमेट, ये रहा आपका फीमेल गैमेट। तो यहां पर देखें आपका ये आ गया फीमेल गैमेट, यानी इसका मतलब सिंपल सा आप देखें कि एक मेगा स्पोरोजेनेसिस में आपको एक एक्टिव मेगा स्पोर लेने के लिए कितने मियोसिस की रिक्वायरमेंट होगी? एक मियोसिस की रिक्वायरमेंट होगी, और बाकी जो आपके तीन हैं वो क्या बन जाते हैं? रिड्यूस बनते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि एक एग सेल के प्रोडक्शन के लिए एक मियोसिस, तो आपको कितने एग चाहिए, कितने एग सेल चाहिए? 100 एग सेल चाहिए। तो आप यहां पर ध्यान में रखें 100 मियोसिस से आपको क्या मिल जाएगी? 100 एग सेल मिल जाएगी। क्या खाली एग सेल से सीड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा? नहीं, किसकी आवश्यकता होगी, किसकी रिक्वायरमेंट होगी? फर्टिलाइजेशन की। और फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी आवश्यकता होगी? मेल गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। किसकी रिक्वायरमेंट होगी? मेल गैमेट की। अब देखिए यहां पर एक एग सेल से फ्यूज होने के लिए एक मेल गैमेट की, और एक मेल गैमेट किससे बनने वाला है? एक पॉलन ग्रेन से। तो आपको यहां पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की भी बात करनी है। तो देखें अगर हम बात करें तो एक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, एक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस में एक मियोसिस के थ्रू कितना, यहां पर कितना मियोसिस होगा? सिंगल मियोसिस, और यही एक मियोसिस जो है वो आपका उसकी वजह से 4 माइक्रोस्पोर का एक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की वजह से, एक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में एक मियोसिस से
आपका क्या हो जाएगा, 4 माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर। और ये जो 4 माइक्रोस्पोर है, इन 4 माइक्रोस्पोर से जो है आपको 4 मेल गैमेट, टोटल तो 8 मिलेंगे, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है कि टोटल आपको काउंट नहीं करना है। रीजन, वो मेल गैमेट काउंट करना है जो एक सेल से फ्यूज होगा, क्योंकि ऐसे तो आप काउंट करोगे तो नंबर ऑफ पॉलीग्राइन आधे रह जाएंगे, क्योंकि एक मेल गैमेट किससे फ्यूज होता है, एक सेल से, और एक किससे होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस से। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको एक एक सेल से फ्यूज होने के लिए एक मेल गैमेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि 4 माइक्रोस्पोर में आपको 4 ही मेल गैमेट मिलेंगे, टोटल तो 8 मिलेंगे, लेकिन जो किससे फ्यूज होंगे, एक सेल से फ्यूज होंगे, वो आपको कितने मिलेंगे, 4। अब देखो आपको कितने चाहिए, 100 एक सेल है तो 100 मेल गैमेट चाहिए, और 100 मेल गैमेट के लिए आपको कितनी बार मियोसिस करवाना पड़ेगा, 25 टाइम। तो आप यहां पर ध्यान में रखें कि इस कंडीशन में आपके 25 मियोसिस जब होंगे तो उससे आपको 100 पॉलन ग्रेन मिल जाएंगे, और 100 पॉलन ग्रेन मिल जाएंगे तो इसमें आपको 100 मेल गैमेट भी मिल जाएंगे फ्यूजन के लिए, ठीक है। तो यानी कितने हुए, तो आप यहां पर बता सकते हैं, ये रहा आपका 100 मियोसिस यहां और 25 मियोसिस यहां, और दोनों को आप ऐड कर लीजिए, दोनों को आप जोड़ लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 125 मियोसिस। एक लाइन का आंसर था कि 100 बीज के दानों के निर्माण के लिए, गेहूं के जो 100 बीज है या 100 दानों के निर्माण के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन चाहिए, तो 125 अर्धसूत्री विभाजन। लेकिन कैसे कैसे, तो वो आपका पूरा कंसेप्ट आपको यहां से समझना है कि आपको 100 एक सेल चाहिए और 100 ही आपको पॉलन ग्रेन या मेल गैमेट चाहिए। तो यहां पर तो एक मियोसिस से एक ही बनता है, लेकिन यहां पर एक मियोसिस से 4 बनते हैं, तो यहां पर तो आपका 1/4 होगा और यहां पर पूरे 100 होंगे, तो 100 प्लस 25 मियोसिस टोटल हो जाएगा आपका 125 मियोसिस। तो सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, इसको इस तरीके से आपको, इससे रिलेटेड और जितने भी क्वेश्चन है वो आपको इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन सीव सेल ऑफ पाइनस व्हेन एंडोस्पर्म हैव 30 क्रोमोसोम्स। यानी जब पाइनस के भ्रूणपोष में 30 गुणसूत्र है तो चालनी नलिका या चालनी कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होंगे, तो उसकी गणना करनी है आपको, कैलकुलेशन करनी है। तो कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक छोटा सा कंसेप्ट आपको लगाना है जो मैं आपको साथ साथ में इस चैप्टर के अंदर बता चुका हूं, कि अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म की, अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म की, आवृत बीजी की बात करें, तो आवृत बीजियों में जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म वो कैसा होता है, वो होता है ट्रिप्लोइड। और जो आपकी सीव सेल है यानी चालनी कोशिकाएं हैं या चालनी नलिका है, वो कैसी होती है, डिप्लोइड होती है। तो आप यहां से अगर आंसर निकालें तो क्या आएगा कि पाइनस के भ्रूण पोष में 30 गुणसूत्र यानी 3n = 30 और सीव सेल के अंदर जो है द्विगुणित है, तो यहां पर कितना हो जाएगा 2n = 2। तो यहां पर आप n की वैल्यू निकालोगे, n की वैल्यू निकालोगे, देखिए 30/3 है ना, यहां पर 3n = आप ऐसे कर लीजिए 30, तो आपके n की वैल्यू हो जाएगी 30/3 = 10। अब यहां पर आप 2n में वैल्यू रखें तो 2 × 10 = आ जाएगा आपका 20 गुणसूत्र। अगर मैंने क्या कहा, अगर मैं बात करता हूं एंजियोस्पर्म की, तो आपका आंसर कितना होने वाला है, आपका आंसर होने वाला है 20, ठीक है। लेकिन ये है एक्सेप्शन, अपवाद, ये क्या है, एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन इसलिए कि ये बात कर रहा है जिम्नोस्पर्म की, किसकी बात कर रहा है, जिम्नोस्पर्म की, यानी पाइनस किसका उदाहरण है, पाइनस किसका एग्जाम्पल है, जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है। अब जिम्नोस्पर्म में आप निकालोगे तो जिम्नोस्पर्म में आपको अच्छी तरीके से पता है जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है, हैप्लोइड होता है, बिकॉज ऑफ फर्टिलाइजेशन से
पहले ही फॉर्मेशन हो जाता है। तो जिम्नोस्पर्म में जो आपका एंडोस्पर्म है वो एंडोस्पर्म कैसा है, हैप्लोइड है, एन है। अब ये क्या कह रहा, पाइनस के भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम है, 30। तो एंडोस्पर्म के अंदर एन इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 क्रोमोसोम्स आ गया, आ गया ना। और मैंने क्या कहा, सीव ट्यूब्स। तो देखे यहां से आप सीव ट्यूब या सीव सेल, चालनी नलिका की बात करें, चालनी नलिकाएं हमेशा कैसी होंगी, द्विगुणित होंगी। तो जब द्विगुणित होंगी तो आप यहां पर n इज इक्वल टू अगर 30 है तो 2n इज इक्वल टू 2 इंटू 30 इज इक्वल टू हो जाएगा 60 क्रोमोसोम्स। सिंपल सा ये रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। ये मैंने एक जो है एंजियोस्पर्म को एग्जांपल लेकर भी आपको बता दिया कि अगर एंजियोस्पर्म के बारे में पूछे तो आपको इस तरीके से निकालना है। और जिम्नोस्पर्म के पाइनस हो गया, साइकस हो गया, एफिड्रा हो गया, ये सारे के सारे जो है जिम्नोस्पर्म के प्लांट है। और जिम्नोस्पर्म में आपको ध्यान में रखना है कि एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है वो फर्टिलाइजेशन से पहले ही हो जाता है। तो हमेशा एंडोस्पर्म कैसा होगा, हैप्लोइड होगा। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पॉलन ग्रेन, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट व्हेन द सेल ऑफ न्यूसिलस हैव 36 क्रोमोसोम। जब आवृतबीजी पादप के बीजांड काय में, है ना, बीजांड काय की कोशिका में 36 गुणसूत्र हैं तो परागकण, भ्रूणपोष और भ्रूण में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। तो आपको सीधी सी यहाँ पर प्लॉइडी के ऊपर फोकस करना है, गुणिता के ऊपर फोकस करना है कि कौन अगुणित है और कौन द्विगुणित है। अगर ये आइडेंटिफाई कर लोगे तो ये क्वेश्चन आपका सिंपल सा हो जाएगा, कोई कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं है। तो देखें यहाँ पर बात कर लेते हैं हम इसके आंसर की। तो देखें कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि दिया क्या है। तो दिया है आपको 36 क्रोमोसोम, किसके दिए हुए, न्यूसिलस सेल के, है ना। तो देखिए न्यूसिलस, न्यूसिलस यानी बीजांड काय, और बीजांड काय कैसा होता है, बीजांड काय होता है भैया डिप्लॉइड, 2n, और 2n इज इक्वल टू यहां पर क्रोमोसोम कितने दिए हैं, 36 क्रोमोसोम। तो हम सबसे पहले n की वैल्यू निकाल लें। तो देखें n इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 36 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 18। ये तो हो गई आपकी n की वैल्यू, ठीक है ना। अब आपको पूछा क्या है तो वो हम लिख लेते हैं यहां पर। एक तो पूछा है आपको पोलन ग्रेन, क्या पूछा है, पोलन ग्रेन। दूसरा पूछा है एंडोस्पर्म, ये रहा आपका एंडोस्पर्म। और तीसरा आपको पूछा है एम्ब्रियो, ये रहा एम्ब्रियो, किसके, आवृत बीजी पादपों के, दिया हुआ है एंजियोस्पर्मिक प्लांट। पोलन ग्रेन कैसे होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं हैप्लोइड। एंडोस्पर्म कैसा होता है, तो एंडोस्पर्म होता है यहां पर ट्रिप्लॉइड। और एम्ब्रियो कैसा होता है, तो एम्ब्रियो होता है आपका डिप्लॉइड। तो यानी आपको तीन अलग अलग तरीके की प्लॉइडी मिली। अब एन के वैल्यू के हिसाब से आप यहां पर सीधे क्रोमोसोम्स को क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। तो एन यानी आपको पॉलन ग्रेन में कितने क्रोमोसोम मिलेंगे, तो 18 क्रोमोसोम मिलेंगे। आपको एंडोस्पर्म में कितने मिलेंगे, तो आपको मिलेंगे यहां पर 18 × 3 कितने हो जाएंगे, 54 हो जाएंगे यहां पर, ठीक है। और 2n आपको यहां पर मिलेंगे, तो यानी 18 × 2 तो आपके हो जाएंगे यहां पर 36। तो आपका जो आंसर होगा उसमें आपको ये कॉम्बिनेशन देखना होगा कि पॉलन ग्रेन में 18 क्रोमोसोम, एंडोस्पर्म में 54 क्रोमोसोम, और एम्ब्रियो के अंदर आपके हो गए 36 क्रोमोसोम, ठीक है ना। क्योंकि एम्ब्रियो डिप्लॉइड होता है, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, और पॉलन ग्रेन कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। ये इसकी बात, सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आपको यहां पर कौन से स्ट्रक्चर की प्लॉइडी कैसी है वो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं अपन। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मियोसिस रिक्वायर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 50 एक्टिव मेगास्पोर। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने अभी जो है सॉल्व भी किया था इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन यहां पर केवल और केवल क्या पूछा है, 50 एक्टिव मेगास्पोर। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि एक मियोसिस से, एक अर्धसूत्री विभाजन से,
एक ही एक्टिव मेगा स्पोर बनता है जनरली। आपको कितना पूछा है भाई? आपको पूछा है 50, तो उसके लिए कितना हो जाएगा? उसके लिए कितना हो जाएगा? 50 मियोसिस हो जाएंगे, या आपका आंसर हो जाएगा 50 मियोसिस इज रिक्वायर्ड फॉर 50 एक्टिव मेगा स्पोर। बात जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ये कि आपको यहां पर मेगा स्पोर दिया है या माइक्रो स्पोर दिया है। अगर माइक्रो स्पोर दिया होता तो आपको ध्यान में रखना है माइक्रो स्पोर का फॉर्मेशन तो एक मियोसिस से 4 यानी 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, जबकि एक ही आपको क्या मिलता है? मेगा स्पोर मिलता है एक मियोसिस से। तो ये रहा आपका आंसर 50 मियोसिस। उसके बाद में देखें कि कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपको परेशान कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें अपने सिलेबस में तो नहीं है लेकिन एनसीईआरटी के अंदर ये चीजें दी हुई है ना। तो मैं उस पॉइंट को समझाने के लिए आपको ये क्वेश्चन के फॉर्म में ले रहा हूं। देखिए, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन एल्यूरोन लेयर सेल्स व्हेन द सिनर्जिड्स हैव 8 क्रोमोसोम। ठीक है ना, सिनर्जिड्स हैव 8 क्रोमोसोम। 8 गुणसूत्र अगर किसमें उपस्थित है? सहायक कोशिकाओं में उपस्थित है, तो एल्यूरोन परत की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? अब ये नाम तो पूरा एम्ब्रियोलॉजी के अंदर आपने अभी तक सुना ही नहीं, व्हाट इज द एल्यूरोन लेयर। तो ये ध्यान में रखें, यहां पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले की जो मोनोकोट सीड है, मोनोकोट सीड है, इन मोनोकोट सीड में, मोनोकोट सीड कैसे होते हैं? आपको मैंने एंडोस्पर्म की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर सीड का क्लासिफिकेशन बताया था, तो उसमें दो तरह के हमने बात की थी, एल्बुमिनस, एक्स एल्बुमिनस या नॉन एल्बुमिनस। तो यहां पर ध्यान रखिए, मोनोकोट सीड के अंदर जो मोनोकोट सीड होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? वो होते हैं आपके एल्बुमिनस, एल्बुमिनस सीड्स। और एल्बुमिनस सीड का मतलब है यहां पर एंडोस्पर्म प्रेजेंट। एंडोस्पर्म क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और आप ध्यान में रखें कि जो एल्यूरोन लेयर है, जो एल्यूरोन लेयर है वो किसके चारों तरफ प्रेजेंट होती है? एंडोस्पर्म के चारों तरफ ही प्रेजेंट होती है। तो एंडोस्पर्म की प्लॉइडी कितनी होती है भैया? 3n। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एंडोस्पर्म के चारों तरफ लेयर एल्यूरोन की होती है उसकी भी प्लॉइडी किसके इक्वल होगी? एंडोस्पर्म के इक्वल होगी। तो आप ध्यान में रखें, यही एल्यूरोन लेयर की भी प्लॉइडी होती है। अब आ जाएगा आपका आंसर। क्यों आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, क्यों नहीं होगा? अब देखें, सहायक कोशिका या सिनर्जिड्स की बात करें तो सिनर्जिड्स की प्लॉइडी आपको पता है, सिनर्जिड सहायक कोशिकाएं जो है अगुणित होती हैं। तो यहां पर n, n इज इक्वल टू हो गया आपका कितना? 8 क्रोमोसोम। तो आप 3n की वैल्यू निकाल लीजिए सीधी सी, है 3n इज इक्वल टू हो जाएगा 8 × 3, 24 क्रोमोसोम। तो जो एल्यूरोन लेयर पूछ ले या एंडोस्पर्म पूछ ले, आपका आपका जो आंसर है वो होगा 24 क्रोमोसोम। समझ में आई बात? तो ये आपको ध्यान में रखना है, मोनोकोट सीड के अंदर जो एंडोस्पर्म है उसके चारों तरफ एक एल्यूरोन लेयर प्रेजेंट होती है ना, और वो कैसी होती है? वो ट्रिप्लॉइड होती है। एंडोस्पर्म भी ट्रिप्लॉइड होता है तो एल्यूरोन लेयर भी ट्रिप्लॉइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियस इन एम्ब्रियोसेक ऑफ डाइकोट प्लांट। तो आपको अगर एम्ब्रियोसेक अच्छी तरीके से आता है तो आप क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियस इन एम्ब्रियोसेक ऑफ डाइकोट प्लांट, यानी द्विबीजपत्री पादपों में, द्विबीजपत्री पादपों के भ्रूण कोश में केंद्रकों की व्यवस्था कैसी होती है। तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, हमने एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट पढ़ा है। देखें, उसमें आपके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, 2+4+2, 3+2+3, 2+3+3 और 3+3+2। किस तरीके की व्यवस्था होती है? तो जरा सा आप एम्ब्रियोसेक के डेवलपमेंट को आप याद करेंगे तो क्या है, सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लियस डिवीजन करके, है ना, एक डिवीजन के थ्रू दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है,
ऐसे हो गया साहब। अब क्या होता है, एक ऊपर गया एक नीचे गया, तो यहाँ पर आ गया साहब, ये दोनों पोल के ऊपर आ गए, न्यूक्लियस आ गए। उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पर और यहाँ पर, यानी दोनों पोल के ऊपर जो आपको माइक्रोपाइलर पोल है और जो चैलेजल पोल है, दोनों पोल पर दो दो बार यहाँ पर माइटोसिस होता है और माइटोसिस के थ्रू न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। तो ये हुआ आपका, एक बार हुआ तो एक से दो हो गए, दूसरी बार होगा तो दो से चार न्यूक्लियस हो गए। इधर भी ऐसे ही होगा, दो बार होगा तो एक से दो हो गए और दो से ये चार न्यूक्लियस का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होता है, एक एक न्यूक्लियस वापस फर्दर जो है दोनों पोल से सेंटर में आता है। ये रहा एक न्यूक्लियस, ये दूसरा न्यूक्लियस, और यहाँ पर दो न्यूक्लियस आपके सेंटर में आ गए। जब दो न्यूक्लियस सेंटर में आ गए तो एक एक कहाँ से, पोल से कम हो गया, हो गया। अब आप न्यूक्लियस की व्यवस्था यहीं से बता सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर यहीं से बता सकते हैं कि 3+2+3 है ना। चैलेजल पोल के ऊपर कितने न्यूक्लियस हैं, 3 न्यूक्लियस, सेंटर में कितने हैं, 2 न्यूक्लियस, और जो आपका माइक्रोपाइलर पोल है वहां पर कितने हैं, तो 3 न्यूक्लियस हैं। इसीलिए तो हम इसको कहते हैं 7 cellular 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। तो 3+2+3, तो कहाँ है 3+2+3, ये रहा आपका 3+2+3। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो आपका हुआ। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं हाउ मैनी स्ट्रक्चर्स आर हैप्लोइड, है ना, हाउ मैनी स्ट्रक्चर्स आर हैप्लोइड इन फॉलोइंग, कि निम्न में से कितनी जो संरचनाएं हैं वो कैसी हैं, हैप्लोइड है। इसमें देखिए बहुत सारी संरचनाओं के नाम दिए हुए हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे हो गया आपका न्यूसेलस हो गया, सिनर्जिड हो गया, पॉलनग्रेन हो गया, एम्ब्रियोसेक हो गया, रूट सेल हो गया, मेल गैमेटोफाइट हो गया, एक सेल हो गया, एंडोस्पर्म और पॉलर न्यूक्लियस। इनमें से सबकी आपको प्लॉइडी पता होगी तब जाकर आप यहाँ पर क्या दे पाओगे, आंसर दे पाओगे। तो देखिए यहाँ पर मैं पहले इसके ऑप्शन लिख लेता हूँ, ये मैंने इसके ऑप्शन लिख ली है, ए 3 है, बी 4, सी 5 एंड डी 6, यानी कितने स्ट्रक्चर हैप्लोइड हैं वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं। इसमें 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं या फिर 6 हैं, तो आपको इसके लिए इसकी क्या पता होनी चाहिए, प्लॉइडी पता होनी चाहिए। तो देखिए प्लॉइडी के अंदर न्यूसेलस की अपन बात करें तो न्यूसेलस कैसा होता है, न्यूसेलस यानी बीजांडकाय, और बीजांडकाय आपका कैसा मिलेगा, डिप्लॉइड मिलेगा हमेशा। सिनर्जिड जो है वो आपकी किसमें, एम्ब्रियोसेक के अंदर प्रेजेंट होती है, कैसी होगी, हैप्लोइड होगी, तो आपका ये एक हो गया। दूसरा देखिए पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोर से डेवलप होते हैं और माइक्रोस्पोर हैप्लोइड होते हैं, तो ये भी कैसा हो गया आपका, हैप्लोइड हो गया, दो हो गए आपके। तीसरा एम्ब्रियोसेक, एम्ब्रियोसेक किससे डेवलप होता है, मेगास्पोर से, और मेगास्पोर हैप्लोइड होता है ना, हैप्लोइड मियोसिस के थ्रू बनता है, तो ये आपका तीसरा हो गया स्ट्रक्चर आपका एम्ब्रियोसेक। देन उसके बाद में रूट सेल की बात करें तो रूट सेल कैसी हुई, ये रही आपकी डिप्लोइड होती है ना, रूट सेल कैसी होती है, डिप्लोइड। उसके बाद में बात करें मेल गैमेटोफाइट, तो मेल गैमेटोफाइट किससे डेवलप होता है, पोलन ग्रेन से, और पोलन ग्रेन कैसा है, हैप्लोइड है, तो मेल गैमेटोफाइट भी कैसा होगा, हैप्लोइड। कितने हो गए, 4 हो गए। एक सेल एम्ब्रियोसेक के अंदर ही प्रेजेंट होती है, तो ये भी हैप्लोइड होती है आपकी, आपको पता है, तो एक सेल ये हो गई आपकी। एंडोस्पर्म की बात करें तो एंडोस्पर्म होता है ट्रिप्लॉइड, कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। और पोलर न्यूक्लियाई की बात करें तो दो पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल में आए, अभी वो फ्यूज नहीं हुए हैं, फ्यूज होते हैं तो वो सेकेंडरी सेल का फॉर्मेशन करते हैं, तो ध्यान में रखें अगर सेकेंडरी सेल कहीं आया है तो वो डिप्लॉइड होगा, और सेंट्रल सेल कहीं आया तो वो हैप्लोइड होगा। तो यहां पर ध्यान में रखिए जो पॉलर न्यूक्लियाई है वो सेंट्रल सेल में प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी कैसे प्रेजेंट होंगे, आपके हैप्लोइड है। तो गिन लीजिए आप 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। तो इस प्रकार से आप इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लॉइडी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं, है ना, तो थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, बाकी क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल इजी है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, राइट द प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, राइट द प्लॉइडी ऑफ
एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो व्हेन द मेल प्लांट इज फॉरेन एंड फीमेल प्लांट इज सिक्स एन. किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है भैया एंजियोस्पर्म की, है ना. यहाँ पर ध्यान में रखना, आपको एंजियोस्पर्म मेंशन मिलेगा. आवृत बीजी पादपों में, आवृत बीजी पादपों में जब एक मेल प्लांट, है ना, ये आपको ध्यान में, चतुर्गुणित जो पादप है आपका वो कौन सा है? आपका मेल प्लांट है, ये मेल प्लांट है, और जो सिक्स एन है वो आपका फीमेल प्लांट है, है ना. इस तरीके से ध्यान रखना. तो जब एक चतुर्गुणित नर पादप और एक षटगुणित मादा पादप के मध्य क्रॉस करवाया जाए तो भ्रूणपोष और भ्रूण की गुणिता बताइए. बता सकते हैं आप? यहां पर आपको डबल फर्टिलाइजेशन का जो पूरा मैंने आपको चार्ट बताया है वो पता होना चाहिए. अगर वो चार्ट वाला कंसेप्ट आपको पता है तो आप ये क्वेश्चन चुटकियों में कर लेंगे. सिंपल सा क्वेश्चन है. देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. आपको क्या दिया है? मेल प्लांट. कैसा दिया है? फॉरेन. ये रहा साहब आपका एक मेल प्लांट. कैसा है? ये रहा फॉरेन. और एक फीमेल प्लांट दिया है मादा पादप. तो ये रहा फीमेल प्लांट. कैसा है? यह है सिक्स एन. अब होता क्या है देखे कि आपको नॉर्मल जो अपन गैमेटोजेनेसिस वगैरह जो इवेंट करवाते हैं वही करवाना है. यहां पर जो मेल प्लांट है, इस मेल प्लांट में मियोसिस के थ्रू मेल गैमेट बनेंगे. तो कितने मेल गैमेट बनते हैं? दो मेल गैमेट बनते हैं. तो आपको ध्यान में रखना, ये रहा साहब आपका दो मेल गैमेट. एक मेल गैमेट ये, एक मेल गैमेट ये. अगर मेल प्लांट की प्लॉइडी 4n है तो गैमेट की प्लॉइडी कितनी हो जाएगी? हाफ, आधी रहेगी मियोसिस के थ्रू. तो आपको ध्यान में रखना है इनकी जो प्लॉइडी है वो रह जाएगी आपकी 2n. दोनों मेल गैमेट बता दिए मैंने आपको, है ना. ये रहे आपके क्या बन गए? मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया है. इसी तरीके से आप बता देंगे फीमेल प्लांट के अंदर. अब देखें फीमेल प्लांट के अंदर भी मियोसिस की प्रोसेस होगी, होगी ना, और हैप्लोइड एंड जो आपका एम्ब्रियो सैक है उसका फॉर्मेशन होगा. यहाँ पर भी जो फ्यूजन में पार्टिसिपेट करने वाले दोनों स्ट्रक्चर हैं उनके बारे में आपको ध्यान में रखना है. तो हम बात करें फ्यूजन में, डबल फर्टिलाइजेशन में कौन पार्टिसिपेट करेगा? एक एक सेल और एक जो आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो पार्टिसिपेट करेगा. करेगा एक सेल कैसा होता है जनरली? हैप्लोइड. तो यहां पर आधा कर दो आप, तो एक सेल कैसी हो जाएगी? 3n हो जाएगी. सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसा होता है? तो दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होके, 3n 3n न्यूक्लियस जो पोलर न्यूक्लियस है वो फ्यूज होके सेकेंडरी न्यूक्लियस या सेकेंडरी सेल का फॉर्मेशन करते हैं. तो यानी जस्ट डबल, एक सेल की जस्ट डबल, तो कितनी हो जाएगी? 6n इसकी प्लॉइडी हो जाएगी. हो जाएगी. अब देखिए आपके पास में चारों स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, आप फ्यूजन करवा दीजिए. आप फ्यूजन करवाएंगे तो देखें, ये रहा एक मेल गैमेट. मेल गैमेट ये आपका मेल गैमेट है. कैसा है? 2n. और ये दूसरा मेल गैमेट है आपका, ये मेल गैमेट, और ये भी कैसा है आपका? 2n. अब इसका फ्यूजन हो जो है आपका एक मेल गैमेट का एक सेल से होता है. एक सेल कैसी है? 3n, है ना, 3n. तो एक सेल 3n है. तो यहां पर इसका फ्यूजन एक डिप्लॉइड मेल गैमेट के साथ में होता है तो क्या होगा? 3n 2n, ये आपका आ जाएगा 5n जायगोट. और अगर जायगोट 5n है तो माइटोसिस ही तो होता है ना. एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में क्या होता है? माइटोसिस होता है. तो ये आपका हो जाएगा यहां पर 5n एम्ब्रियो. 5n एम्ब्रियो. तो ये तो आपका एक आंसर हुआ है. अभी कौन सा? इनने एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म दोनों की प्लॉइडी पूछी है, हमने एम्ब्रियो की निकाल ली. इसी तरीके से दूसरा क्रॉस करवा लीजिए आप कि आपके पास में एक सेकेंडरी न्यूक्लियस है. ये रहा आपका सेकेंडरी सेल कह दीजिए, सेकेंडरी न्यूक्लियस कह दीजिए, है ना, विच इज 6n. और जब इसके साथ में फ्यूजन होगा, ट्रिपल फ्यूजन की जब अपन बात करते हैं उसके अंदर, तो क्या होगा आपको जो स्ट्रक्चर मिलता है पेन, वो कैसा मिलेगा? तो यहां पर मिलेगा 6n + 2n = 8n.
कितना हो जाएगा 8n, ठीक है ना। अब 8n ये आपका इसका हो गया और इसी से आप फर्दर जो है एंडोस्पर्म डेवलप करवाते हैं, है ना। ये आपका 8n एंडोस्पर्म हो जाएगा, ये 8n इसका हो जाएगा और 5n इसका हो जाएगा। तो जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा कि जो आपका एम्ब्रियो है वो तो हो जाएगा पेंटाप्लॉइड 5n, और जो आपका एंडोस्पर्म है ये एंडोस्पर्म हो जाएगा आपका कैसा 8n। समझ में आया बेटा। अब देखिए इस तरीके से आपको प्लॉइडी कहीं चेंज कर ले, कितनी प्लॉइडी चेंज कर ले, आपको यहाँ पर 4n की जगह 8n दे दे, 6n की जगह यहाँ पर 10n दे दे तो भी आप निकाल लोगे। आपको यहाँ पर जो है वो उल्टा कर दे कि भाई मेल प्लांट 6n है और फीमेल प्लांट 4n है तो भी आंसर चेंज हो जाएंगे, होंगे ना। तो इस तरीके से आपको कोई भी प्लॉइडी दे दे आपको इस तरीके से कैलकुलेट करके और आंसर निकाल लेना है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी तरीके के क्वेश्चन अगर आए तो कंफ्यूज ना हो उसके लिए आप इजी वे में आंसर निकाल सकते हो। तो ये थी बात कुछ क्वेश्चन और आंसर की जो हमने सॉल्व किए, जिनमें मैक्सिमम आपको प्रॉब्लम आती है वो मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करवा दी है। और भी आप क्वेश्चंस जो हैं वो निकालेंगे, सॉल्व करेंगे और उसके बाद में अगर डाउट्स आते हैं तो आप मेरे डाउट उसके अंदर आप भेज दीजिएगा, ठीक है ना। मैं उनके डाउट सॉल्व करके बता दूंगा आपको।